दोस्तों मैंने बाहर एक मुल्क में, इंडिया से बाहर एक मुल्क में एक साहब से पूछा, मुझे तुम अलावल वन तुम तुम क्या ऐलान करान नमाज पत दिन कत ईमानी की निश कत तुम क्या डायरेक्ट ऐलान करान नमाज के बाद सूरह कहफ की आयत नंबर 3 या 4 और 5 पर गुफ्तगू होगी, नमाज के बाद सूरह कौसर पर बात होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलानी सीरत से मुतलिक बात होगी, तो क्या मुतलक ऐलान कर रहे दीन की बात होगी। बड़े तजुर्बाकार आलिम भी थे माशाल्लाह, दोबन सुनो मुफ्ती साहब ये जो ये ऐलान करते हैं ईमान यकीन इसका आता है इनसे लुकन फायद, अगर कहा नफर मस्जिद में नबर नेर सिगरेट चन खतर किम खतर है सिगरेटों मुख नेर नबर एम सुन ईमान बच एम सुन ईमान, अगर इम ये ऐलान कर नमाज के बाद सूरह कौसर पर बात होगी तेल छु हर एक नफरस बिहन वजिब इल्ला ये कि या शरी मजबूरी आए सु हक नबर नेर सिगरेट पीने वाला मोबाइल से खेलने वाला या घर में चाय पीने वाला अगर याद बुरी था आसन सो हक ने तिल नेर कीन क्या सु गस एराज अनिल कुरान कुरान से मुंह मोड़ना, उसने बताया मैं तुम्हें कुरान सुनाऊंगा इस इधरा ने अपन है नहाज बोझे नहीं की उसका ईमान बच जाएगा उससे। अब क्या कहो मुतलक ऐलान करो ताकि अगर कोई खेलने के लिए भी बाहर जाएगा तिम सुन ईमान हसे बच तिम सुन क्या बच